हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, आप देख ही रहे हैं ये 8 कट पेटीकोट है। जैसे कि ये भी एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, और जैसे कि इस वीडियो का मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा और पैटर्न किस तरीके से कटिंग करते हैं वो दिखाऊंगा, और इसके बारे में जो जो जानकारी है वो मैं टिप्स आप लोगों को दूंगा। और जैसे कि 8 कट दो तरीके से काटा जा सकता है वो तरीका मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और इसका भी और एक यानी कि जैसे कि किस तरीके से किस हद तक आप इसे कर सकते हैं, यानी कि इसे चेंजिंग करके आप अपना तरीका से कैसे इसे यूज करते हैं वो सभी टेक्निक इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा 8 कट में, ठीक है। और एक बात बता दो फ्रेंड, जो टेक्निक इस वीडियो में बोल रहा हो शायद वो वीडियो में नहीं बोला हो, तो पेटीकोट का टेक्निक एक ही है, सभी में एक ही है, आप कर सकते हो वो टेक्निक में यूज कर सकते हो, उस 4 कट में भी कर सकते हो, 6 कट में भी वो टेक्निक यूज कर सकते हो, ताकि आपको लगे वो किया जा सकता है आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा चैनल को हर रोज विजिट करते हैं, हमारा जैसे कि आप देख ही रहे हैं जो जितना सब्सक्राइबर है जितना व्यूज है, उन लोगों को मैं थैंक्स कहकर ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ मैं देखता हूँ हमारा जो ऑनलाइन जो कोर्स कर रहे हैं हमसे, वो सभी लोग जिस वक्त ही मैं वीडियो डालता हूँ उस वक्त ही वो लोग देख ही लेते हैं, तो इसलिए मैं थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए सीखते रहिए। तो चलिए मैं 8 कट है ये जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका पहले आप एक काम कीजिए, आप लोग इसका जो फॉर्मूला है वो आप पहले लिखिए, और जैसे कि इस जगह में ए बी ई, और इस जगह में जैसे कि 3 इंच डी सी 5.25 इसी तरह लिखा हुआ है, आप उसी तरह इस जगह में लिखिए, और साथ ही साथ इस जगह में लिखिए जैसे कि इसका फुल लेंथ 38 है, ओ एस 36 है, ए बी टोटल ओ एस प्लस लूजिंग, यानी कि इस जगह में फिर, ठीक है, इस जगह में ए बी यानी कि टोटल ओ एस प्लस लूजिंग भागा 8 यानी कि 36 प्लस 4 लूजिंग मैंने दिया है और 40 होता है, उसके बाद भागा 8 का यानी कि 8 पैनल है ये, ठीक है। फ्रंट में 4 रहेगा और बैक में 4 रहेगा, और इसका जो मेजरमेंट होता है ये जो टेक्निक में दिखा रहा हूँ ये अलग है, आप कर सकते हो ये भी टेक्निक कर सकते हो, इसका सभी में एक ही मेजरमेंट है, तो यानी कि इधर में 3 इंच हुआ तो सभी में 3 इंच है, ये ऐसा है। और दूसरा टेक्निक में बाद में दिखाऊंगा, पहले इस टेक्निक का फॉर्मूला लिखे आप, अगर फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाए तो आप कोई भी पैटर्न आप लोग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से फुल लेंथ लेते हैं उसी हिसाब से मेजरमेंट पेटीकोट करने के लिए 2 लगता है, कभी कभी हिप भी लगता है और नी का भी मेजरमेंट लगता है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा कौन सा पेटीकोट में लगता है। और ये देखिए जैसे ही कैलकुलेशन मैंने 5 आया है, और उसके बाद भागा 2 करना है, भागा क्यों करें हम फ्रेंड, तो ये फोल्ड का ये पार्ट है, ठीक है, और ये फोल्ड का पार्ट है, और ये पार्ट लगेगा 8 पार्ट लगेगा 8 पीसेस, और डीसी 38 × 2 हमेशा जैसे कि आप लोगों को बोलता हूँ, जो ए बी जितना मेजरमेंट होता है और डीसी उसे डबल होता है, कभी कभी आप लोग उसे डबल करके -2 या 1 कर सकते हो, आप लोग 3 भी कर सकते हो, कपड़े अगर कम हो 3 भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका तीसरा तरीका है फ्रेंड, जैसे कि ये जो फुल लेंथ होता है यही लॉजिक है, फुल लेंथ जितना होता है उसका डबल नीचे का पोर्शन होता है, तो डबल का फॉर्मूला बना के मैंने इस जगह में दिखाया, 38 × 2 किया है 76 होता है, भागा 8 करना है, आपको सिंपल सा भागा 8 करना है, जितना आता है उसे भागा 2 करना है, ये देखिए भागा यानी कि फोल्ड है हमारा 4.7 में, उसके बाद एक तरफ हमारा सीम्स रहता है इसका, तो इसलिए मैंने इसे हाफ इंच सीम्स दिया है 5.25 ले लिया, ये देखिए 5.25 लिया है। और जो केसिंग इस तरीका से होता है, जैसे कि हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ जैसे कि केसिंग इसका जो लेंथ है कैसे करना है, सभी वीडियो में बोलता हूँ फ्रेंड, जैसे कि वेस्ट का जितना फॉर्मूला है टोटल वेस्ट प्लस लूजिंग, ठीक है, ये पहले आप तय करें कितना है, तो 40 होता है हमारा 40, और उसे भागा 2 करना है, क्योंकि इधर भी ये देखिए ये हमारा वेस्ट का फॉर्मूला है फ्रेंड, ठीक है,
तो ये जो वेस्ट अब देख रहे हैं, इधर फोल्ड है और टोटल 40 भागा 2 किया है मैंने, और उसके 20 होगा और उसके बाद 1 इंच यानी कि 21 इंच इसका लेंथ होगा वेस्ट का, ठीक है। और वेट कितना होता है फ्रेंड, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों को 5 इंच लेना है और ऊपर से फोल्ड आ जाएगा, इधर से फोल्ड होगा और हाफ इंच सिंस में चला जाएगा, यानी कि जब हम केसिंग को लगाएंगे तो हाफ इंच चला जाएगा। और इधर का भी सेम टॉपिक है, जैसे कि 38 अगर हमने लिया है इस जगह का 38 फुल लेंथ, तो पहले आपको केसिंग मेजर में माइनस करना है यानी कि 2 इंच करना है, और उसके बाद नीचे का जो बटन में जो इनलेस में यानी कि हेमिंग की तरफ जो चले जाता है 2 इंच, वो कपड़े एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे 38 आता है और उसके बाद हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब केसिंग हम लगाएंगे तो नीचे का हिस्सा भी आधा इंच बच जाएगा, तो इसलिए वो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसका टेक्निक है ये, ठीक है। और चलिए मैं एक कटिंग कर लूँ, कटिंग करके दिखा दूँ, एक थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों को कटिंग करके दिखा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि पैटर्न दो तरीका से होता है, जैसे कि एक कागज ले आप, ये देखिए इसी तरह दो तरीका होता है, एक कागज में कटिंग करने का तरीका डायरेक्ट, और एक सॉरी फ्रेंड एक कागज में पैटर्न बनाते हैं और दूसरा तरीका है डायरेक्ट हम कपड़ा में बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने का टेक्निक ये है और ये है, ये हम सीधा ड्रॉ करें और इसके बाद इसी तरह कटिंग करें, यानी कि ये जो टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ 8 कट जो पेटीकोट है, ये सभी पैनल एक ही मेजरमेंट रहेगा, एक ही मेजर सभी में एक ही रहेगा। और ये हम अगर कोई कपड़ा में बिठा दें, जैसे कि कपड़ा में बिठाने के मतलब है फ्रेंड, जैसे कि इसी तरह आपको लेना होता है, ये देखिए 4 और उसके बाद ये 8 आता है, ठीक है। तो किसी भी तरह आपको 8 पीसेस करना है, नहीं तो आप जैसे कि इस तरीके से अगर करना चाहते तो इसी तरह आपको हर बार कटिंग करना पड़ेगा, और वो टेक्निक अगर आपको ना पसंद हो तो आप दूसरा तरीका यूज़ करें इसी तरह, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ये